द ग्रेट कपिल शर्मा शो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो लेके। वेलकम करते हैं आप सबका अपने चैनल पे। तो आज देखने वाले हैं द बेस्ट शो कपिल शर्मा गुड न्यूज पार्ट वन, और आई थिंक अक्षय एंड करीना स्पेशल एपिसोड है। हाँ चलिए सबसे पहले देखते हैं फिर इस पे बात करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। आप देख लो भाजी, आप बड़े पर्दे पे हिट पे हिट दे रहे हो, हमने इधर देखते देखते 100 एपिसोड पूरे कर लिए। हमारा तो चैनल के साथ 70 एपिसोड का ही कॉन्ट्रैक्ट था, 30 तो इनके नाम पे हमें दिए थे उन्होंने कि अगर अक्षय कुमार आएंगे 30 बार तो आपको हम 100 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। आप हर महीने फिल्म बनाते रहा करो भाजी, हम आपको 1000 एपिसोड बना के दिखा देंगे। अच्छा शतक की खुशी अलग ही होती है सेंचुरी की। जैसे आज हमारे 100 एपिसोड हुए, आज अक्षय पाजी आए यहाँ पे, बड़ा स्पेशल मौका है। पाजी आपको याद है आपकी 100 फिल्म कौन सी थी? नहीं मुझे याद नहीं, इतना याद ही नहीं है आपको? नहीं नहीं मुझे याद नहीं है 100 फिल्म, मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरी करीबन 145 हो चुकी है। वाह क्या बात है। और पाजी आपको याद है बॉक्स ऑफिस पे पहली कौन सी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ कमाए थे? ये भी नहीं याद आपको? नहीं यार, ओ यार तू मुझसे बात कर रहा है, गूगल से थोड़ी बात कर रहा है। ओ ऑडियंस आपके फैंस जानना चाहते थे ना? नहीं मुझे ठीक है, नहीं टाइम लगता कमाए इतना रहे, नहीं टाइम लगता गिनने का। फिर पहुंच गए, मैंने कहा पहुंच गए। बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए कलाबाजी तो मारेगा ही मारेगा, पीछे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्होंने सवाल दिए थे कुछ ऑडियंस ने, बोलते पूछ ले कहते चलो 100 की बात चल रही है तो आपको याद है आपकी 100वीं गर्लफ्रेंड कौन सी थी? ओ सॉरी, अरे ये संजय दत्त जी वाला सवाल आ गया, सॉरी। शर्मा जी आप बताइए, आप बड़े चैलेंज दे रहे थे मुझे, हैं 3 बजे आपने चैलेंज भेजा था मुझे। कब कब इन्होंने बोला था? कपिल मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं 4 बजे उठकर काम पे जाता हूँ, तेरी तरह 4 बजे उठकर ट्वीट करके सो नहीं जाता। सो जाता है मैं पर एक बात बता, जब तूने ट्वीट किया उसके कितनी देर बाद फोन? इन्होंने कहा कि अक्षय 4 बजे उठते हैं, तुम आज ट्वीट करो चैलेंज करो। मैंने 3 बजे कर दिया, 3:01 से पहले 40 सेकंड बीच में ही आ गया फोन। मेरे को फोन हैरान हुआ कि नहीं जब मैंने फोन किया? मैं हैरान हूँ, भारती तो रोने लग पड़ी। हाय ये कहते तू क्या कर रहा है 3 बजे उठ के? मैंने कहा हमें माफ कर दो हम हार गए। पर पाजी वैसे आपसे पूछना था, हमने सुना था 4 बजे उठते, आप 3 बजे क्यों उठे हुए थे? मेरी मर्जी, मैं कितने बजे भी उठू। इधर 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 पाजी 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 इधर पाजी, तू भी लाइन में खड़ा हो। ये दोनों असली लड़की हैं, इनको मत मारना। मैं आपको बताऊं, रोज सुबह लोगों को अलार्म क्लॉक लगता है, इस इंसान को उठने के लिए पूरा का पूरा क्रेन लगता है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसकी डाइट क्या है। हाँ। आप लोग गर्मी में आइसक्रीम खाते होंगे। हाँ। ये पूरा ग्लेशियर खा जाता है, टूट जाती है ग्लेशियर। इसको देखो, दोनों को साथ में देखो। हाँ। ऐसा लगता है कि आटा पीसने वाली चक्की है। ये देखो दोनों को, तो उबले हुए पेंगुइन लगते हैं यूं। सब नकली अंदर। आपको एक बात बताऊं आपके बारे में, चुड़ैले भी ना आपसे सबसे ज्यादा क्यूट रहती है। और तू क्या, तू बार बार जो है तू हमेशा कहता है ना, इसका एक फेमस डायलॉग है ना, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ दे दो 1 करोड़ दे दो, पूरा चैनल चूस गया तू। कितने करोड़ चाहिए? अब अपने चैनल के अपने बच्चे गिरवी करते तेरे। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप इस शो पे आके ओए होए इसके अलावा करते क्या? एक बार करना, कैसे करते हो? ओए होए होए होए। ये देखो, ये इसका सिग्नेचर है चंदन प्रभाकर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, चंदन प्रभाकर 5 लाख रुपए लेता है एक शो का, और 5 मिनट आता है। 5 मिनट आता है साला, यानी कि
एक मिनट का 1,00,000 रुपया लेता है ये आदमी। वाह चंदू। और अगर शो के अंदर 6 मिनट चला गया तो 6वां भी ले लेगा। आपके ऐसे कौन से शौक हैं कि आप लौंडों को लौंडिया बना के पूरे मतलब ऐसी क्या कमजोरी है मतलब आप किसी औरत को नहीं ले सकते हो भाजी। मैं और मेरा दोस्त चंदू हमने बॉयज स्कूल में पढ़े हैं। हमारे साथ कभी कोई लड़की नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं था, हम बहुत ही गरीब थे। तो उसके बाद जब कॉलेज में आए तब कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि लड़कियों से बात करें। यहाँ आके हम लोग पहली लड़की जो मिली वो अर्चना जी मिली हमें। इतनी तंदुरुस्त की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। अर्चना जी लड़की ये भी झूठ। तो फिर हमने सोचा कि स्टार्टअप करते एक अपना खुद की ऐसे असेंबल करते हैं। ये वो लोग हैं जो सोनी को दिन रात लूटते हैं। ये वो लोग हैं जो सोनी को दिन रात लूटते हैं। अच्छा ये है करीना लेकिन इन्होंने करिश्मा किया हुआ है। इतनी फिट, इतनी खूबसूरत, इतना ग्लो। मुझे पता आपके ना पीछे कभी कभी मुझे गोल चक्कर दिखता है ऐसे। अच्छा? मुझे लगता है कोई सुंदरता की देवी है। आज आपके पीछे लग रहा है मेरे चक्कर। अच्छा वो वाले दिख रहे हैं। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्यों क्यों? गुड न्यूज़। कल क्या हुआ? एक छोटी परसों अच्छा परसों छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी लवली 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 गॉर्जियस ब्यूटी आई आपके घर। थैंक यू लक्ष्मी आई आपके घर पे यार। थैंक यू सो मच। आपको पता है डॉक्टर भी सेम ही है। अच्छा? हाँ मेरे को जब उन्होंने बताया ना कहते आप मतलब उन्होंने नहीं डॉक्टर ने नहीं बताया उनको मत आप बोलना पर लोगों ने मुझे बताया कि आप यू आर इन सेफ हैंड्स। आपको पता है वो जो स्टाफ दूसरा बताया था ना तैमूर भी यही हुए थे। मैं क्या ओए ओए मेरे को तो मजा आ गया। हमारे सेम डॉक्टर और दोनों सेफ हैं। हैं पर सेफ तो नहीं है ना। हाँ अभी समझा। पर आज आप आई ना आपको पता डायरेक्ट आपको देख के हार्ट अटैक भी हो सकता है इसलिए हमारे जो दास दादा ना जो देख लो अभी भी फोटो खींच रहे हैं आपकी। इनको हमने 2 गोलियां सुबह दे दी थी ताकि इनका बीपी नॉर्मल रहे। दास दादा ठीक हो? आप ठीक हो? तबीयत खराब थी बोल रहे थे मैं 2 शूट पे नहीं आ सकता। आपके बारे में पता चला आके शटर भी इन्होंने खोला है। दिसंबर सही रहता है। दिसंबर जून जुलाई में शादियां होती ना जो वो थोड़ा काम खराब हो जाता है। मेरे जून में हुई थी। आपकी जून में हुई थी? हाँ तो काम खराब ही हुआ। नहीं नहीं गर्मी इतनी होती ना नॉर्थ में आप चले जाओ अगर तो पाजी भाभियों मेकअप करके आती ना शादी में तो पहले 5 मिनट तो ठीक रहता है मेकअप। जब गर्मी बढ़ने लगती ना सिंदूर निकल के यहाँ पे आ जाता है लिपस्टिक चू के यहाँ पे निकल रही होती है हाथ में चावल पकड़े होते फिर बड़े बड़े पंखे के आगे क्लोज जाती है ऐसे खड़ी होकर क्लोज जाती है। December is good. December, हाँ. आपको देख के भी सच्ची सवाल बोल रहे हैं करीना। I mean, हाँ. कसम से मतलब क्या बात है? वैसे in Punjab, you know, there is a big trend ना कि सारे branded कपड़े पहनते हैं। एक एक कपड़ा इतना महंगा होता है मतलब आप गाड़ी खरीद लो उसे एक टी-शर्ट की कीमत से। दिलजीत को पता है वो खरीदते हैं। दिलजीत आज सबसे महंगे जूते अक्षय सर के। आपके भी कहानी है वो प्राडा के वो लुई विटों के। हाँ बस ऐसे ही हम देख रहे हैं उधर एक आंख उधर एक आंख उधर। आपके जूते क्या है यार? मैंने सुबह देखा नीचे कोई ब्रांड लिखा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कोई डिजाइन बना हुआ है। मैं पूछने वाला था पाजी आप कहाँ से लेते हो कपड़े? ये कब मिलते नहीं कहीं ब्रांड? इधर हमारे इन्फिनिटी मॉल में तो नहीं है ये ब्रांड? ये मैं आपको बताऊं जूते मुझे करण जोहर ने दिए। अच्छा गिफ्ट दिए। और ये लंबा वाला जैकेट ये मेरी डिजाइनर लेके आई। मेरे डिजाइनर है कोई के? ऐसे मुझे खाली बोलते हो कि डिजाइनर ने भेजे हैं। आपने भी ब्रांडेड वाला जैकेट गोल्ड में लगा रखी है डोल्चे गबाना। या डीएनजी ये तो स्टिकर उतर जाता है ना इसके बाद फिर ज़ारा का लगता है। ज़ारा का। ज़ारा के बाद। वेरी फनी। यार मज़ा। करीना कपूर कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आज भी देख लो यार। बिल्कुल
मतलब कि कब से इनको देखते आ रहे, छोटे छोटे से जब छोटे होते थे मैंने की फिल्में देखते थे, रवि वैसे की वैसे के वैसे। अच्छा और अक्षय फिर से और दे अपने आप को फिट 145 145 मूवी कर चुका है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है यार इतनी जगह। मैं कहता हूं कैसा लगा आज का शो, जबरदस्त। मैं कहता हूं ऑसम था। दिलजीत पाजी मेरे फेवरेट, हां मेरे खुद पंजाब में दिलजीत पाजी, इनका इनके सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फिल्म भी बहुत अच्छी, फिल्म भी बहुत अच्छी, लेकिन सॉन्ग भी बहुत फनी, बहुत है फनी टाइप ये है, और वो इनका गाना बहुत अच्छा है। ऐसा शो है इस शो में मेरे ख्याल में कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा जो ना आया हो, बाकी वाले सारे पाकिस्तान सेलिब्रिटी जो भी हैं सब आते हैं, बाहर से भी जो आते हैं कैसे सारे जितने भी अच्छे। तो अच्छा था शो, बहुत मजा आता है इनका शो देख के, मूड फ्रेश हो जाता है। तो गाइस आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।